सबसे पहले तो ललितपुर पैट्रियट्स और भैरवा ग्लैडिएटर्स की पूरी टीम को, सारे प्लेयर्स को थैंक यू सो मच कि क्या बेहतरीन शानदार मैच आज देखने को मिला है। रिजल्ट खैर थोड़ा सा अनलकी रहा, लाइट की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन बेहतरीन मैच आपने प्रोवाइड कराया सारे 22 प्लेयर्स को, थैंक यू सो मच। चलिए अब बैक टू वर्क, पहुंचते हैं अपने टॉप परफॉर्मर की अगर हम बात करें तो जी हाँ, आज दो चार टॉप परफॉर्मर नहीं, 12 टॉप परफॉर्मर्स आज रहे हैं। जी हाँ, और टॉप परफॉर्मर्स ये मोस्टली वो प्लेयर्स हैं जो कि बहुत ही नए हैं, यंग है, या फिर अनकैप्ड है, या हिडन टैलेंट है, या फिर अंडररेटेड है, या फिर हार में इनकी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं ठक गई, लेकिन परफॉर्मेंस इनकी भी बहुत ही तगड़ी थी। ये 12 प्लेयर्स और आज मोस्टली इनमें से लोकल प्लेयर्स ज्यादा है। जी हाँ, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे और बात करेंगे आज उनके बारे में। सबसे पहला मैच आज जो हुआ, सबसे पहले जान लेते हैं उस टीम्स के बारे में कि उनकी टीम में कौन कौन से टॉप परफॉर्मर रहे और किस तरह से उन्होंने अपनी टीम के लिए योगदान दिया। बिल्कुल, और सबसे जो आज का पहला मैच था काठमांडू किंग्स 11 वर्सेस चितवन टाइगर्स के बीच में, तो कहीं ना कहीं अगर बात करें काठमांडू किंग्स के प्लेयर्स की कि वहां से हमने कौन हिडन टैलेंट यंग रहे हैं जिन्होंने आज परफॉर्म किया है, तो सबसे पहले काठमांडू की तरफ से राजू रिजर्व, जी हाँ, जो कि बैट्समैन है राइट हैंडेड, उन्होंने 28 रन मारे हैं 20 बॉलों। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त कंपोज इनिंग, अच्छी पारी खेली, चौकों और छक्कों से सजी हुई पारी थी। फिर काठमांडू की तरफ से सुभाष खाकुरे, क्या कहने, ओपनिंग करी आज और ओपनिंग में मौका मिला और वाकई में कमाल की इनिंग खेली है, 35 रन 34 बॉलों में मारे हैं, और राइट हैंडेड बैट्समैन और बहुत ही उम्दा चौके स्ट्रे ड्राइव की मारा, छक्का भी मारा, मिड विकेट का भी छक्का मारा, कहीं ना कहीं शानदार पारी सुभाष खाकुरेल की तरफ से देखने को मिली। जी हाँ, तो ये दो परफॉर्मर थे इनसे इस टीम से, और आइए जानते हैं कि इसी टीम से और भी परफॉर्मेंस हैं जो कि निकल के आई है सामने। बिल्कुल, काठमांडू से अगर बात करें तो तीसरे प्लेयर, जी हाँ, इनके तीन ही प्लेयर थे जिन्होंने परफॉर्म किया है, और तीसरे प्लेयर है झलक प्रकाश। जी हाँ, झलक प्रकाश ने 26 रन मारे हैं 16 बॉलों में, अच्छी इनिंग थी, नीचे आके उन्होंने टीम का स्कोर अच्छा पहुंचाने में कि 16 बॉल में 26 रन की पारी जनक प्रकाश ने खेली अपनी टीम के लिए। जी हाँ, बहरहाल अगर वो बॉलिंग साइड की बात करें तो उनकी 26 रन की इनिंग जो है वो कहीं ना कहीं उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस से ढकती नजर आई, लेकिन पहले बैटिंग करते हुए जनक प्रकाश ने क्रूशियल 26 रन इंक्लूड किए थे, तो इसके बारे में भी तारीफ तो बनती है। नेक्स्ट प्लेयर की बात, बिल्कुल, अब आ जाते हैं चितवन टाइगर्स की टीम की परफॉर्मेंस की तरफ। जी हाँ, यहाँ पे काफी अच्छे परफॉर्मेंस है। सबसे पहले सागर ढक्कल की अगर हम बात करें, जी हाँ, ये शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अब चाहे इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज भी इन्होंने 4 ओवर फेंके हैं, 13 डॉट्स हैं, 21 रन और 4 विकेट इन्होंने निकाले हैं, जिस पर रियान बल का भी विकेट शामिल है, तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जो बैट्समैन अगेंस्ट द स्पिन खेलने गए तो बहुत महंगा हुआ, और स्किड काफी करा रहे थे ये बॉलिंग को, तो वाकई में शानदार है। जी हाँ, आज स्किड काफी हो रही थी इनकी बॉल, उसका भरपूर फायदा मिला है इनको, और सामने वाली टीम को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल, और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। अब आते हैं दूसरे प्लेयर की चितवन टाइगर्स की अगर हम बात करते हैं, वो है दिलीप नाग। जी हाँ, जब बैटिंग करने उतरी चितवन टाइगर्स, 23 रन मारे 26 बॉलों में। जी हाँ, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्लो एंड कंपोज इनिंग थी, 23 रन 26 रन की पारी, चौके अच्छे लगाए, और खासकर सिंगल डॉल में ज्यादा ध्यान था दिलीप नाग का। जी हाँ, और आप सोच रहे होंगे 23 रन थे 26 बॉलों में थे, इतना भी ऐसा खास क्या था इस इनिंग में, खास ये था कि ये सारे रन मोस्टली ऑफ रन संदीप लामिचाने के खिलाफ थे। जी हाँ, संदीप लामिचाने पे उन्होंने 6 मारा सबसे पहले, उसके बाद ओवर कंप्लीट हुआ, उसके नेक्स्ट ओवर में एक बैटल देखने को मिला था, संदीप लामिचाने ने फिर मैडिंग ओवर डाला उनके सामने जो कि जबरदस्त वापसी थी संदीप लामिचाने, उसके बाद अगले ओवर फिर से, जी हाँ, 12 रन करीब मार दिए दिलीप नाथ ने, तो दिलीप नाथ की संदीप लामिचाने के साथ जो बैटल थी उसमें उन्होंने संदीप लामिचाने के खिलाफ इतने शानदार ये रन किए थे, इसीलिए इनकी इस इनिंग को बिल्कुल भूल नहीं पाए, इसलिए इनको टॉप परफॉर्मेंस में एड ऑन आज करना ही था। बिल्कुल, और चितवन टाइगर्स की अगर हम बात कर रहे हैं और उनके दो प्लेयर की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता जिन्होंने आज टीम को जीत दिलाए, कमल सिंह एरी और राजेश पुनामी। जी हाँ, आउटस्टैंडिंग इनिंग दोनों ने खेली, 23 रन 15 बॉलों में मारे हैं कमल सिंह एरी ने, स्पेशली वो दो छक्के जो लगाए। जी बिल्कुल, काबिल तारीफ, वाकई में बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है कमल सिंह एरी, दिखा भी रहे हैं कि क्यों है। और राजेश पुनामी की जितनी तारीफ की जाए, जी हाँ, आज उन्होंने 26 रन 29 बॉलों में मारे हैं चितवन टाइगर्स की तरफ से। एक बात कहनी होगी, जितना मैच क्लोज जाता है राजेश पुनामी उतने खतरनाक होते चले जाते हैं।
तो वाकई में ये बिल्कुल ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उनके शुरू के 10-15 बॉल अगर आप देखेंगे, शुरू के 10-12 बॉल तो वो स्ट्रगल कर रहे थे। जी हाँ, ऑफ साइड में लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मैच क्लोज आया, रन बॉल पास आते गए, रन और करीब आते गए, वैसे वैसे उनके शॉट्स अचानक से आने लगे, वो सिंगल डबल लेने लगे और जिन्होंने स्ट्रेट में छक्का मारा था वहीं पे उन्होंने सील कर दिया था मैच की। ये तो मैच अब हमारी मुट्ठी में, लगातार दो मैचों से बेहतरीन परफॉर्मेंस उनकी रही है, वो मैच फिनिश करके आ रहे हैं, दोनों बार मैच वो फिनिश करते हुए आए हैं, पिछले मैच में भी और आज भी उन्होंने मैच फिनिश किया। तो एक बहुत ही शानदार बैटिंग क्वालिटी उनके अंदर है कि वो मैच को फिनिश कर पाए। बहुत अच्छे, बहुत जबरदस्त। तो चित्रा टाइगर्स की तरफ से ये चार परफॉर्मेंस थे और अब बात करते हैं अगर दूसरे मैच की आज की। जी हाँ, जहाँ पे भैरवा ग्लैडिएटर्स और ललितपुर पैट्रियट्स भिड़े थे, वाकई मैच की कोई बहुत आउटस्टैंडिंग मैच रहा। लेकिन प्लेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ ललितपुर पैट्रियट्स की अगर हम पहले बात करें तो यहाँ पे संदुल वीराकोडी, जी हाँ, उन्होंने आज बहुत अच्छी हाफ सेंचुरी जड़ी है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, वाकई में विकेट कीपर बैट्समैन, बहुत ही अच्छी हाफ सेंचुरी आई। 58 रन मारे उन्होंने 41 बॉलों में, 5 छक्के शामिल थे, बहुत अच्छी है वीरा कोहली की तरफ। जी हाँ, और वीरा कोहली को एड ऑन करना इसलिए जरूरी था, इंटरनेशनल प्लेयर है, श्रीलंका के लिए खेल चुके हैं लेकिन अभी बहुत ही नए हैं, इसलिए इनकी बहुत सारे लोग हैं इनके बारे में नहीं जानते हैं कि ये साउथ अफ्रीका के खिलाफ अभी जो सीरीज खेली थी श्रीलंका ने वहां पर ये थे, तो बहुत ही यंग और बहुत ही नए प्लेयर है ये, तो इसीलिए इनका नाम यहाँ पे लेना जरूरी था। बहुत ही शानदार इनिंग वीरा कोहली के बैट से निकली है और आप देख सकते हैं कि बॉलों का डिफेंस कितना रहा है, 41 बॉलों में ये शानदार 58 और 5 छक्के उसमें इंक्लूड है, तो बिल्कुल काबिले तारीफ है। ऐसे ही लगातार अच्छा परफॉर्म आप करते रहिए ईपीएल में, और भी उम्मीद रहेगा और आगे भी आप करते रहिए। नेक्स्ट है, बिल्कुल, और नेक्स्ट है संदीप जोरा। जी हाँ, नेपाल के लिए डेब्यू कर चुके हैं, खेल चुके हैं और यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छा किया है। 38 रन 25 बॉल में, 38 and 25 बॉल्स को उन्होंने मारे हैं, बहुत तेज तरार इनिंग थी, चौके छक्के, दो चौके दो छक्के इनके इंक्लूडेड हैं, बहुत ही जबरदस्त पारी, सिंगल डबल लिया, शुरू में इतना तेज नहीं खेल रहे थे पर बाद में उन्होंने अपनी स्पीड पिकअप की, थर्ड फोर्थ गियर पे अपनी इनिंग को लेके। जी हाँ, और इनके नाम पे एक क्रूशियल कैच भी है। जी हाँ, कुशल मल्ला का जो कैच पकड़ा है वो संदीप जोरा ने ही पकड़ा था। आपको पता ही होगा कि कितना इंटेंस और क्या सिचुएशन थी उस वक्त, और उस मोमेंट पे इस तरह के कैचेस पकड़ना भी एक सच में प्रेशर वाला काम होता है कि जिस सिचुएशन पे उस वक्त मैच था, तो वो कैच भी उन्होंने काफी अच्छा पकड़ा, सीधे उनके हाथ में था लेकिन उन्होंने कहा माइंड और प्रेशर जो होता है माइंड में इस सिचुएशन पे बहुत ज्यादा है, बहुत सारे कैचेस छूटते भी है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, और तीसरे ललितपुर की प्लेयर की बात करें, जी हाँ, पैट्रियोटिक के प्लेयर बहुत ज्यादा है, अजमतुल्ला उमरजे, जी हाँ, ये है अफगानिस्तान के लिए एक मैच खेल चुके हैं और 42 रन की इन्होंने पारी खेली, बहुत ही फास्ट, 22 बॉलों में 22 बॉल्स 42 रन, ह्यूजली इम्पैक्ट रखा है। और जो स्कोर आप देख रहे हैं आज ललितपुर का, जो अभी तक हाईएस्ट मारा है इस टूर्नामेंट में, अभी तक 177 पहुंची है कोई भी टीम, इन्हीं की बदौलत है, बड़ी जबरदस्त इन्होंने पिच हिटिंग की है नीचे आके। जी हाँ, और एक बात और कहना चाहूंगा कि उमर जई भाई, आप लक बहुत खराब लेकर आए, पिछले मैच में आपने 19 ओवर कराया, आपने सिर्फ 2 रन दिए और एक विकेट निकाला था, एक ओवर में 9 रन दे दिए थे, कम से कम सेट कर दिया था, पवन श्रॉफ ने वहां काम खराब कर दिया। उसके बाद आज मैच में क्या शानदार 19 ओवर कराया उमर जई ने, उसकी तारीफ बनेगी, इतनी हिटिंग के बीच में सिर्फ 5 रन दिए और लास्ट ओवर के प्लेयर उनके लिए 18 रन छोड़े, लेकिन वहां पर भी आपका लक खराब था कि उस बॉलर ने भी 18 रन दे दिए, उनका नाम राशिद खान था। चलिए, उमर जई की परफॉर्मेंस लेकिन अच्छी रही बॉलिंग में, 19 ओवर के लिए उनकी तारीफ बनवा। और अब बात कर लेते हैं यहाँ पे भैरवा ग्लैडिएटर्स की, अगर हम बात करें, जी हाँ, भैरवा ग्लैडिएटर्स से ज्यादा बॉलिंग डिपार्टमेंट से भैरवा ग्लैडिएटर्स के निराश किया है, लेकिन दुर्गेश गुप्ता, जी हाँ, बिल्कुल भाई कमाल के हैं, बहुत, मैं हमने आपसे पहले भी कहा था, दुर्गेश गुप्ता 4 ओवर में 22 रन दिए हैं, विकेट कोई नहीं मिला है, इकलौते बॉलर हैं जिनका 5 की गुलामी रही है इस हाई स्कोरिंग मैच में भी, तो कहीं ना कहीं शानदार बॉलिंग कराई है भैरवा ग्लैडिएटर्स के दुर्गेश गुप्ता, लेफ्ट आर्म मीडियम। जी हाँ, तो इसीलिए इनको इंक्लूड किया गया है, इतनी पावर हिटिंग के बीच में भी, जिन जहाँ पर किसी भी दूसरे बॉलर का 7 से नीचे की इकॉनमी नहीं है, वहां पर 5 की इकॉनमी से बॉलिंग कराई इन्होंने, 4 ओवर 22 रन, शानदार बॉलिंग और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करे जा रहे हैं। कुशल मल्ला की, जिन्होंने यहाँ तक मैच पहुंचाया, एक टाइम को बीच में बहुत लड़खड़ा गया था, लेकिन 35 रन 19 बॉलों में कुशल मल्ला ने मारे, क्या शॉट मारा है उन्होंने, लॉन्ग ऑफ बैट के छक्का मारा था उन्होंने, सबसे बेहतरीन शॉट, बिल्कुल 5वें स्टंप पे आके उन्होंने जो बैट के छक्का मारा है, T20 के वो प्लेयर है, आज उन्होंने और ज्यादा साबित कर दिया, वाकई में कमाल की।
जी हाँ, बेहतरीन इनिंग उनका बल्ला। अभी वर्ल्ड क्रिकेट लीग टू के राउंड सिक्स में थोड़ा खामोश था टीम के लिए, लेकिन फाइनली यहाँ पर उनका बल्ला गरजा और बहुत ही क्रूशियल इनिंग। अगर ये मैच इतना फैंटास्टिक बना है, ये मैच जो लास्ट तक पहुंचा है उसमें थरंगा का जितना हाथ है उससे भी क्रूशियल मोमेंट पे आगे कुशल मल्ला ने भी ये इनिंग खेली है, तो उनकी तारीफ बनती थी। भले ही वो निभा के खेल चुके, काफी मैचेस खेल चुके, लेकिन फिर भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो यंग है अभी, इसीलिए हमने क्योंकि यंग टैलेंट को भी हम यहाँ पे बढ़ावा दे का बात कर रहे हैं उनके बारे में, तो बिल्कुल कुशल मल्ला उसमें जरूर आएंगे। टॉप क्लास परफॉर्मेंस उनके बल्ले से आज दिखी है, जिसलिए वो जाने जाते हैं। आज उन्होंने फाइनली यहाँ करके दिखाया, जैसे कि हमने पहले भी पोस्ट मैच एनालिसिस में अपने पुराने वीडियोस में कहा है, जितनी कम बॉलें होंगी कुशल मल्ला उतने ही डेंजरस होंगे, और जितनी जल्दी वो आएंगे मैच में उतने उनका परफॉर्मेंस खराब होगा, और ये आज फिर से साबित। अगले प्लेयर की बात, बिल्कुल इतने ही प्लेयर है अगर, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि ललितपुर पैट्रियट्स की तरफ से कोई बॉलर नहीं आ पाया है, क्योंकि राजू रिजन को हम रिजन को हम देख सकते थे, लेकिन चार ओवर में 17 रन में 2 विकेट निकाले हैं हमने। अच्छा, अच्छी इसमें भी, जी हाँ, इतने हाई वोल्टेज मैच में भी वो इतने अच्छी विकेट और कम रन देके निकल गए हैं, ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल काबिले तारीफ है, क्योंकि अगर दुर्गेश गुप्ता की हमने बात करी है तो राजू रिजन होनी चाहिए, वहां पर इन्होंने 4 ओवर 17 रन 2 विकेट भी निकाले हैं, और फिर आरिफ शेख का कैच भी इनकी बॉलिंग में छूटा कहीं ना कहीं, उसके बाद कुछ और इंक्लूड हुए, वरना शायद इनकी जो इकोनॉमी है वो और अच्छी, काफी अच्छी बॉलिंग। तो ये सारे प्लेयर्स थे आज, काफी सारे प्लेयर्स थे आज जो कि टॉप परफॉर्मर थे, इनमें मोस्टली प्लेयर्स आप देख रहे हैं लोकल प्लेयर्स हैं, यंग प्लेयर्स हैं, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस इनकी रही है। तो आज का वीडियो इसलिए लंबा हुआ है क्योंकि आज काफी सारे प्लेयर्स ने टॉप क्लास परफॉर्मेंस दी है और दिखाया दमखम। इसमें से सबसे बेहतरीन, चुनना मुश्किल होगा, काफी सारे हैं, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको जो लगा कि नहीं यार ये ऐसा लग रहा है कि बस इसी की वजह से मैच जीते, वरना ये मैच जीतते ही नहीं, बिल्कुल टफ है, यहाँ पे इतना आसान नहीं है, लेकिन कहना होगा कुशल मल्ला आज के प्लेयर होते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, पांचवे स्टंप से बैट की छक्का मारना और ऑफ साइड का छक्का, वहाँ लॉन्ग काफी डिस्टेंस लंबा था, देखने में बहुत अच्छा लगता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है, लेकिन जो मारता है वो बहुत मुश्किल से लगता है, लेकिन कुशल मल्ला के अंदर वो पावर है, इतनी कम उम्र में इतनी पावर है, काबिले तारीफ। बिल्कुल, और बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ इसी से, बेहतरीन इनिंग उनकी आज रही है, स्माइल निकल रही है। जी हाँ, आप अगर देसी लैंग्वेज में कहें तो फुल पैसा वसूल इनिंग थी उनके बल्ले से। बिल्कुल, इस वीडियो में इतना ही, बातें पसंद आई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिए, टॉप परफॉर्मेंस लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे, नेक्स्ट मैच की भी आपके सामने लेकर आएंगे, कल भी डबल हेडर है, जैसे कि हमें समझ में आया कि कल भी डबल हेडर है, तो उसकी भी परफॉर्मेंस आपके सामने लेकर आएंगे। प्लीज हमारे एफर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और बिल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको सारी अपडेट्स और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। नेदरलैंड्स टीम से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आई है, जल्दी से जाइए, कमेंट चेक करिए क्या अपडेट है, बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी। फिलहाल इस वीडियो में इतना।